Hello friends, good morning. Today I am going to explain you chapter 16 of SST book Directions and Maps. Firstly, we understand direction. There are two types of direction. Number one, cardinal direction. Number two, ordinal direction. Students, north, south, east और वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस है ये कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये ऑर्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, आप कैसे जानोगे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है? देखिए, जो सन निकलता है, सूरज कहां से निकलता है? हमारा ईस्ट से निकलता है, यानी कि पूरब से निकलता है। अगर आपका फेस कहां पे है? पूरब दिशा की ओर है, यानी कि ईस्ट की ओर है, आप सन को देख रहे हो, ठीक है? तो आपका जो सन वाला जो हिस्सा हुआ, जहां आप देख रहे हो, तो वो कौन सा डायरेक्शन हुआ? ईस्ट हुआ। और आपके जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि बैक साइड है, वो कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। और आपका जो हैंड है, कौन सा? लेफ्ट वाला जो हैंड है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ओके? और जो आपका राइट हैंड है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ की ओर। तो यानी कि वो डायरेक्शन हमारी साउथ डायरेक्शन होगी। समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, कंपास क्या होता है? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। कंपास की सहायता से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है, जिसकी सहायता से हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस का पता चलता है। इट इज यूज्ड बाय ट्रेवलर्स टू फाइंड द फोर डायरेक्शंस। और इसकी हेल्प से जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको डायरेक्शंस का पता चल जाता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए, ये कंपास की पिक्चर है। इसमें जो ऊपर दे रखा है ये नॉर्थ साइड दिखा रहा है और ये कौन सा साइड दिखा रहा है? हमारा डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन है। और इसके अकॉर्डिंग जब ये हमारा नॉर्थ साइड है तो ये कौन सा होगा? हमारा ईस्ट होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट, ओके? स्टूडेंट, स्केच क्या होता है? ए स्केच इज ए रफ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस विदाउट यूजिंग एनी स्केल और मेजरमेंट। स्केच क्या होता है? एक स्केच एक रफ ड्रॉइंग होती है, जो कि बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी नाप तोल के, बिना किसी स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं? उस प्लेस का एक रफ ड्रॉइंग करते हैं, रफ तैयार करते हैं, ओके? ये हमारा क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। अब आता है हमारा मैप, कि मैप क्या होता है? ए मैप इज द ड्रॉइंग ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है? कि जो सपाट सरफेस होता है, यानी कि सतह होती है, उस पे पृथ्वी का या तो एक पार्ट या संपूर्ण पार्ट को हम ड्रॉइंग की सहायता से शो करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो हमारा मैप कहलाता है। मैप हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जनरल मैप और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है स्पेसिफिक मैप, ओके? स्टूडेंट्स, प्लान क्या होता है? ए प्लान इज ए मैप दैट शोज ए स्मॉल एरिया लाइक ए स्कूल रूम और ए हाउस। स्टूडेंट्स, हमें मैप की सहायता से हमें क्या दिखाना है? स्कूल शो करना है, रूम शो करना है या हाउस शो करना है, वो एक छोटा सा एरिया है। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? प्लान की। प्लान की हेल्प से हम मैप के अंदर ये पार्ट शो कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट है एटलस। एटलस क्या होता है? जो मैप की एक बुक होती है उसे हम एटलस कहते हैं। नेक्स्ट है कि फीचर्स क्या होते हैं मैप के? टाइटल, कलर्स, डायरेक्शंस, स्केल, कीज और सिंबल्स, ये क्या होते हैं? ये फीचर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? मैप्स को और अच्छे से समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स,
directions. Okay? Northeast, northwest, southwest, or southeast. These are ordinal directions. Okay? This chapter is completed. Okay? Now I am going to explain you exercise chapter 16. Take the correct option. Sun rises in the west, east. सन कहाँ से उदय होता है? ईस्ट, पूर्व से. नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट. जो नॉर्थ है वो ईस्ट के बीच स्थित है. नॉर्थ और ईस्ट. कंपास इज यूज्ड बाय वॉचमैन या ट्रेवलर्स. कंपास जो है वो यूज किया जाता है ट्रेवलर्स के द्वारा, यानी यात्रियों के द्वारा. A map sketch is a rough drawing of a place. Rough drawing जब हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? Map कहते हैं या sketch कहते हैं? Answer है sketch. A book of maps is called. जो maps की book होती है उसे क्या कहते हैं? Canvas या atlas? Atlas. Fill in the blanks. A compass always points towards dash direction locating. Dash are the reference points to find a place. एक ही स्थान पर हम जब reference बताते हैं तो वो किसके माध्यम से बताते हैं? Landmark के द्वारा. Dash maps show many things on the same map. यानी कि एक ही map पर कई चीजों को जब हम show करते हैं तो वो कौन से मैप में होता है? जनरल मैप. स्टेट एंड कंट्रीज आर शोन ऑन ए डैश मैप. जब स्टेट और कंट्रीज शो किया जाता है कौन से मैप में? पॉलिटिकल मैप में. डैश एंड डैश कैन बी यूज एंड लैंडमार्क. लोकेशंस और डायरेक्शंस जो है वो लैंडमार्क बताता है. स्टूडेंट्स पेज नंबर 99 बुक में फिल कीजिए. ओके, थैंक यू.